बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैनल उर्दू इन लाइन में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बनी इसराइल में एक साहब थे जिनका नाम जरीज था। वो नमाज पढ़ रहे थे कि उनकी वालदा आईं और उन्हें पुकारा। उन्होंने जवाब नहीं दिया। सोचते रहे कि जवाब दूँ या नमाज पढ़ूँ। फिर वो दोबारा आईं और गुस्से में बददुआ कर गईं, ऐ अल्लाह इसे मौत ना आए जब तक किसी बदकार औरत का मुंह ना देख ले। जरीज अपने इबादत खाने में रहते थे। एक औरत ने, जो जरीज के इबादत खाने के पास अपने मवेशी चराया करती थी और फाहशा थी, कहा कि जरीज को फितना में डाले बगैर ना रहूँगी। चुनाचे वो उनके सामने आई और गुफ्तगू करनी चाहिए, लेकिन उन्होंने मुंह फेर लिया। फिर वो एक चरवाहे के पास गई और अपने जिस्म को उसके काबू में दे दिया। आखिर लड़का पैदा हुआ और उस औरत ने इल्ज़ाम लगाया कि ये जरीज का लड़का है। कौम के लोग जरीज के यहाँ आए और उनका इबादत खाना तोड़ दिया। उन्हें बाहर निकाला और गालियाँ दी, लेकिन जरीज ने वुज़ू किया और नमाज पढ़कर उस लड़के के पास आए। उन्होंने उससे पूछा, बच्चे तुम्हारा बाप कौन है? बच्चा अल्लाह के हुक्म से बोल पड़ा कि चरवाहा। कौम खुश हो गई और कहा कि हम आपके लिए सोने का इबादत खाना बनवाते हैं। जरीज ने कहा कि मेरा घर तो मिट्टी ही से बनेगा।